कर लेंगे साथ में आपको। ओके हो गया। ओके आजकल बढ़ती हुई आबादी के दौर में जहाँ पर ईंधन की बहुत कमी है, तो हम लोगों ने अपनी मदद ये बायोगैस प्लांट तैयार किया है। इसके लिए हम लोगों ने नासर भाई से हेल्प ली थी फेसबुक पर, तो आए आपको विजिट करवाते हैं। ये इनलेट है, करीब ले आएंगे हमारा ना, ये इनलेट है जहाँ से गोबर इसके अंदर डालते हैं, फिर थोड़ी देर मिक्सर को घुमाते हैं तो गोबर मिक्स होकर इसके अंदर आ जाता है। आगे आ जाए, ये इसका आउट वाल है जहाँ से थोड़ा करीब आ जाए आवाज़ का मसला। ये आउट वाल है जहाँ से गैस निकलता है, आपको चेक करवा देते हैं। अभी ये फुल तैयार है, और ये आउटलेट है जहाँ से गोबर का वेस्टेज जो है बाहर निकलता है, फर्टिलाइज़र बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर आप इसे अपनी फसलों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आपको मुख्तलिफ इंजीनियर मिलेंगे इसके लिए, इससे बेहतर है कि आप नासर भाई के साथ रابطہ कर लें, वो आपको व्हाट्सएप पर स्केच वगैरह बना कर दिखा देंगे, आपको जितनी ज़रूरत होगी आपकी प्रोडक्शन के हिसाब से आपको वो फार्मूला बता देंगे, और आप अपने इलाकाई मिस्त्री या किसी भी कंस्ट्रक्शन के साथ रابطہ करके लगा सकते हैं काम पर उनको। वो एक तो मजदूरी आपको बहुत कम पड़ेगी, दूसरा आपको टेंशन नहीं रहेगी कि जो दूसरे इलाके का मिस्त्री आता है या कारीगर आता है वो उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं, जो आपके अपने इलाके का बंदा काम करेगा वो आपकी आंखों के सामने करेगा, तो इस सिलसिले में कोई भी आपको मसला नहीं बनेगा। ऊपर हमने इसके खुश्क जो गोबर डाल दिए ताकि सर्दियों में प्रॉब्लम ना बने। ये लैया का इलाका है जहाँ पर गर्मियों में तो टम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, तकरीबन 45-46 डिग्री, और सर्दियों में जैसे सर्दी पड़ती है तो टम्परेचर जो है काफ़ी डाउन हो जाता है, तकरीबन 5-6 सेल्सियस तक चला जाता है। तो जब सर्दी आएगी तो गोबर खुश्क की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा, हमें प्रेशर डाउन नहीं होगा, वरना आम इलाकों के अंदर अगर खुश गोबर ना डाला जाए तो प्रेशर डाउन हो जाता है। साइड वाल पे हमने चारदीवारी कर दी है ताकि गोबर पानी बारिश के साथ बह ना जाए, और आगे हम लोगों ने फिल्टर लगाया हुआ है, फिल्टर चेक करवा दें। ये फिल्टर है, ये पानी निकल रहा है, इसके अंदर तकरीबन 10% पानी होता है गैस के अंदर, तो पानी जो पाइपलाइन के अंदर वैसे जमा हो जाएगा अगर फिल्टर ना लगाओ तो, फिल्टर की सूरत में पानी जमा नहीं होगा, फिल्टर के अंदर ही रहेगा, आप वाल ओपन करके पानी निकाल सकते हैं और चूल्हे को प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ये जब तैयार हो जाएगी सिलेरी गोबर तो आप इसे अपने बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर अपने फसलों को डाल सकते हैं। तो मैं तो मशवरा आपको यही दूंगा कि आप किसी फजूल कारीगर या किसी ठेकेदार के चक्कर में ना पड़ें, अपने इलाकाई मिस्त्री लें और नासर भाई के साथ कॉन्टेक्ट कर लें, वो आपको स्केच और आपकी प्रोडक्शन के हिसाब से जितना आपको चाहिए होगा। हमें तो 20 क्यूबक की ज़रूरत थी तो हमने 20 क्यूबक का तैयार करवाया है, अगर आपको 35 का होगा या 40 क्यूबक का तो वो आपको उसी हिसाब से नक्शा वगैरह बनाकर भेज देंगे, व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट पे रहें। दूसरे ममालिक चाइना और भारत तो इस सिलसिले में काफ़ी आगे है, क्योंकि वो तो इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसी तरह उनको फॉलो करते हुए नासर भाई भी ऑनलाइन का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑल ओवर द पाकिस्तान वो आवाम की हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी यही मशवरा है कि हमारा ये प्लांट ज़िला लैया धोरी अड्डा छोटा सा शहर है और उसका गांव चक नंबर 456 के अंदर है, अगर कोई बंदा भी विज़िट करना चाहता है हमारे इलाके का तो इधर आकर देख सकता है, माशाल्लाह कामयाबी के साथ प्लांट चल रहा है। तो अभी हम आपको चूल्हा भी जलता हुआ दिखा देंगे, अभी 3 दिन हुए हैं इसकी फिलिंग की हुए और माशाल्लाह अच्छे प्रेशर के साथ काम कर रहे हैं, तो कुछ ही दिनों के बाद हम लोग इस पर डीजल इंजन भी चलाएँगे। जो हमारा फार्म है आप देख सकते हैं, फार्म की ज़रूरत है, गर्मियों के अंदर काफ़ी लोड शेडिंग होती है इधर, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएंगे उससे, तो हमें तो काफ़ी फ़ायदा दे रहा है।